हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब पर। दोस्तों, इसके पहले हम हिंदी के 5 सेट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इस सीरीज का 6वां प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। इसके पहले 80 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। 80 क्वेश्चन नंबर 81 है, किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी भारतेंदु युग। दोस्तों, इसका सही आंसर है 81 का सही आंसर है सी रीतिकाल। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, इसका सही आंसर है ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी नागार्जुन, सी जयशंकर प्रसाद, डी रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, 83 का सही आंसर है ए मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी? ए छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी प्रयोजनवाद, डी नई कविता। 84 का सही आंसर है ए छायावाद। देखते हैं, अनामिका काव्य के रचयिता का नाम है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी महादेवी वर्मा। दोस्तों, 85 का आंसर है सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? 86 जिसका सही आंसर है बी सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 87 है, कामायनी काव्य के रचयिता का नाम है? ए निराला, बी नागार्जुन, सी पंत, डी जयशंकर प्रसाद। ये तो बहुत प्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी, इसलिए आंसर हमारा होगा डी। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता का नाम है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी नागार्जुन, सी आरसी प्रसाद सिंह, डी जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, 80A का सही आंसर है ए रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ए जयशंकर प्रसाद, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सुमित्रा नंदन पंत। 89 का सही आंसर है एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्र कवि कहा जाता है? ए रामधारी सिंह दिनकर को, बी जयशंकर प्रसाद को, सी नागार्जुन को और डी सुमित्रा नंदन पंत को। दोस्तों, राष्ट्र कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर जी को, तो इसका सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, वर्ष 2008 ईस्वी किसकी जन्म शताब्दी है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी प्रेमचंद, डी रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 92 नंबर,
निम्नलिखित में बिहार के कवि हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी मुक्तिबोध, डी नागार्जुन। 92 नंबर है, इसका सही आंसर है डी नागार्जुन। 93 देखते हैं, गोदान उपन्यास के रचनाकार का नाम है? ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी ज्ञानेंद्र, जैनेन्द्र कुमार, डी अज्ञेय। दोस्तों 93 का आंसर है बी, गोदान उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। इसका सही ऑप्शन होगा बी। 94 देखते हैं, कथा सम्राट किसे कहा जाता? ए प्रेमचंद जी को, बी जैनेन्द्र कुमार को, सी अज्ञेय को, डी फणीश्वर नाथ रेणु को। दोस्तों 94 का सही आंसर होगा ए प्रेमचंद जी को कथा सम्राट कहा जाता है। दोस्तों 95 देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान है? ए औराही हिंगना, बी बिस्फी, सी सिमरिया, डी तरौनी। 95 आंसर होगा औराही हिंगना। 96 देखते हैं, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? ए प्रेमचंद जी को, बी रामवृक्ष वेनीपुरी, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी फणीश्वर नाथ रेणु। दोस्तों 96 का सही आंसर होगा बी रामवृक्ष वेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। दोस्तों 97 देखते हैं, 97 नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं हैं? ए मोहन राकेश, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर, डी केदारनाथ अग्रवाल। 97 का सही आंसर है डी केदारनाथ अग्रवाल। 98 क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः हैं? ए कवि, बी कहानीकार, सी उपन्यासकार, डी आलोचक। दोस्तों 98 का आंसर है डी। 99 है, रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से प्रस्तुत किया गया था? ए हिंदी साहित्य का इतिहास, बी हिंदी साहित्य का विकास, सी हिंदी साहित्य इतिहास, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 99 का आंसर है बी हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास, सॉरी 99 का आंसर है बी हिंदी साहित्य का विकास। हंड्रेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रसाद द्विवेदी और भगवती प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों इसका सही आंसर है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। 100 की ये सीरीज हम यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से मन लगाकर पढ़िए, फ्री सीट लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों थैंक यू सो मच, जय हिंद।